राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। इसमें कांग्रेस भाजपा का कोई नेता पीछे नहीं रहा। अब प्रचार खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार को लेकर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक तरफ तो हम पब्लिक को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं, दूसरी तरफ चुनावों में लाखों लोगों की रैलियां और रोड शो होते रहे, ऐसा सब बिहार चुनाव से ही हो रहा है। राजनेता चाहते तो वर्चुअल रैली जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा होने से रोक सकते थे। गहलोत ने अदालतों और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा, जुडिशरी और चुनाव आयोग भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने राज्यों के विरोध के बावजूद पंचायतों और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे दिए। चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों की पूर्ति मानते हुए चुनावों की घोषणा करता है। नेताओं ने जमकर प्रचार किया और भीड़ आती रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ठीक कहा कि कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए हम राजनेता भी कुछ हद तक दोषी हैं। वर्चुअल सभाओं का इस्तेमाल राजस्थान में भी हो सकता था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस किसी ने इस पर विचार नहीं किया। सभाओं में ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, ना मास्क का प्रयोग। उपचुनाव वाले 3 जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजसमंद में गुरुवार को कोरोना के 247, भीलवाड़ा में 332 और चूरू में 33 केस सामने आए थे। गहलोत ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम मोदी से पहले की तरह राज्यों से चर्चा करने की मांग की है। गहलोत ने लिखा कि अब कोरोना का नया रूप प्रकट हुआ है और देश में भयावह स्थिति बनती जा रही है। लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूर्व की तरह राज्यों से विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।